यहाँ खुल गया अपना फ्रंट कैलिपर, तो ये ओरिजिनल वाले पैड्स आ गए बाहर, आप देख सकते हो। WD-40 स्प्रे आपको चाहिए क्योंकि जो कैलिपर के पिस्टन होते हैं ना उसमें स्प्रे मारना होगा क्योंकि उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो इसमें जो डिस्क पैड है ना, ये है पल्सर 220 की फ्रंट वाली, ये यामा वाला, ये बजाज वाला। तो सोच सकते हो यामा लगाते हैं, इसकी प्राइस 400 से 500 रुपए के आसपास और ये 150 मिलती है बजाज में। बजाज जेन्युइन पार्ट्स, बजाज 220 की डिस्क पैड है, उसका पीछे का चक्का खोलना ही पड़ा मुझे। तो भाई पीछे की पैड भी जो ये हो गई पूरी ख़त्म। तो भाई न्यू डिस्क पैड कुछ इस तरह से दिखते हैं, क्वालिटी जो है पैड की अच्छी लग रही है। एंड तो यहाँ अपनी क्लीन हो गई है कैलिपर, आप देख सकते हो उसके पिस्टन चल गया अंदर। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे लग गए हैं दोनों पैड्स। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन अदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप कर सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग क्या होने वाली है, मैं चेंज करने वाला हूँ R15 वर्जन 3 की डिस्क पैड फ्रंट एंड रियर वाली घर पे। तो दोनों डिस्क पैड एंड आगे वाली एंड रियर वाली डिस्क पैड घर पे चेंज करेंगे, अपने हाथ से करूँगा, आपको सब दिखाऊंगा वीडियो कैसे करना है, कैसे लगाना है, क्या खोलना नहीं खोलना है, सबसे आसान तरीका है वो बताऊंगा। तो चलते हैं घर पे, बाइक लगाते हैं मेन स्टैंड पे और दोनों ब्रेक पैड्स की आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि कौन से ब्रेक पैड्स मैं लेके आया हूँ, कौन से लगाने हैं इसमें। तो चलते हैं घर पे, वीडियो शुरू करते हैं यहाँ। सो बाइक अभी आ गई है सेंटर स्टैंड पे, तो दोनों टायर जो है वो है हवा पे। तो भाई यहाँ पे इसका चेंज करेंगे ब्रेक शू, पहले फ्रंट का डिस्क पैड चेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे रियर का, क्योंकि थोड़ा रियर का जो है सबसे डिफिकल्ट पार्ट R15 का यही है कि अगर पिछला टायर अगर उतर गया एक्सल से तो इसको लगाना, इसकी सेटिंग करनी, पीछे डिस्क पैड के कैलिपर की सेटिंग करनी ना सबसे दिक्कत वाली काम ये है, क्योंकि मैंने पहले दो बार ब्रेक शू चेंज कर चुका हूँ तो मेरे को पता है भाई इसमें कितनी दिक्कत होती है। तो भाई इसका रियर टायर उतर गया तो बहुत दिक्कत होने वाली लगाने में, तो इसको भी नहीं, इसको लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे फ्रंट वाला डिस्क पैड चेंज, तो खोलेंगे कैलिपर। तो पहले आपको अगर दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके इसकी डिस्क पैड की। डिस्क पैड जो है वो रियर वाली मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से, तो भाई बार खोल के देख लेते हैं। तो ये आप देख लो, ये है बजाज जेन्युइन पार्ट्स। तो इसकी प्राइस है 158 रुपीज़। तो ये बजाज 220 की डिस्क पैड है, आपको दिखा दूँ, आप ये देख लो। इसमें जो डिस्क पैड है ना, ये है पल्सर 220 की फ्रंट वाली, पल्सर 220, पल्सर 180, 150 सब में सेम लगती है, NSO, RSO सब में डिस्क पैड सेम लगती है। तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ पार्ट नंबर, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 220 की फ्रंट की डिस्क पैड, और क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये बताता हूँ मैं थोड़ी देर पर। तो इसकी प्राइस चेकआउट कर लो, 158 रुपीज़ है। एंड ये जस्ट पिछले मैंने किया, तो मैं पल्सर क्यों लेके आया हूँ ये बताऊँगा रीज़न आपको। एंड ये है रियर वाली डिस्क पैड, तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है ऐसा कुछ लोकल कंपनी, देसी है ये वाली। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है डिस्क पैड रियर मॉडल FZ250 R15 वर्जन 3 MRP 999, इतनी महंगी नहीं है ये, ये है 300 रुपये की। तो भाई ये मैं, आप सोच रहे हो कि ये मैं देसी डिस्क पैड क्यों ली, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ जमशेदपुर झारखंड में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन मतलब कि फुल लॉकडाउन है यहाँ पर। तो ये डिस्क पैड मैंने मंगा ली थी पिछले हफ्ते लॉकडाउन के पहले, तो यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल भी नहीं था R15 वर्जन 3 का रियर डिस्क पैड जो है अवेलेबल भी नहीं है। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे माल जो है ऑर्डर दिए वो अब तक आया नहीं। तो मेरे को क्या एक्चुअली अभी कुछ ट्रिप में जाना है, तो मेरी बाइक चलने वाली है 300 किलोमीटर के आसपास, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, तो सोचा कि डिस्क पैड दोनों ख़त्म होने वाली है तो दोनों को रिप्लेस किया जाए। एंड बात ये करी फ्रंट वाले की, तो इसकी डिस्क पैड जो है ना, ये इंडोरेंस कंपनी के, अब तो यहाँ लोगो बना हुआ ना, ये लोगो, तो इसको एक बार खोल के दिखा देते हैं। तो भाई ये पैड देख लो आप, ये ओरिजिनल पैड पल्सर की ब्रांड न्यू। तो यहाँ जो लोगो बना हुआ है ये इंडोरेंस का लोगो है, तो इंडोरेंस की ब्रेक पैड ही आती है R15 वर्जन 3 ओरिजिनल फ्रंट वाले में। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये चेंज हो रही है, तो इसमें भी इंडोरेंस का ब्रेक पैड लगा हुआ है R15 में। तो आपको खोल के दिखा दूंगा इसकी हालत। तो इसकी प्राइस पड़ती है 500 रुपये के आसपास, ये 450 के आसपास आती है यामा के ओरिजिनल। तो ये आती है 150 में ये बजाज में, बस यामा जो है ब्रांडिंग के चक्कर में प्राइस इतनी ज़्यादा लेती है, 300 रुपये ज़्यादा लेते हैं, पता नहीं भैया फालतू कल के अंदर पैड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यही एक रीज़न है कि मैंने पल्सर के ले ली, भाई 150 रुपये में मेरा सेम ब्रेक शू मिल जाएगा, तो मैं क्यों 500 रुपये लगाने जाऊँगा बेफालतू का, जब मुझे 150 मिल जाएगी। तो इसी रीज़न से मैं ये बजाज का यूज़ कर रहा हूँ। सो खोलने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, तो मैं टूल्स लेके आया हूँ सारे पाने, इसके 12 के 14 के 15 के एक्सल खोलने वाले पाने, और एक WD-40 स्प्रे आपको चाहिए क्योंकि जो कैलिपर के पिस्टन होते हैं ना उसमें स्प्रे मारना होगा क्योंकि उसको रिवर्स करना पड़ता है, तो वो थोड़ा जाम रहता है, तो उसको जाम हटाने के लिए स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। और स्टैनले का टूल किट है अपने पास, इसमें रहेगी एलन की, क्योंकि पीछे का कैलिपर खोलने के लिए एलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब खोलते हैं फ्रंट वाला, फिर आपको दिखाते हैं आगे। फ्रंट वाले कैलिपर खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दो बोल्ट है, ये 12mm के हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ 12mm का सॉकेट, तो आप भी यूज़ करें सॉकेट। रिंग पाना मत लगाइए, यहाँ पे रिंग पाना से स्लिप हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको घुमाने की फिर दिक्कत होगी आपको, तो आप यूज़ करें सॉकेट। तो सॉकेट से ये दो 12mm के बोल्ट खोलने हैं, उसके बाद ये कैलिपर को खींच के बाहर निकालना है, और हो सके तो ये 8mm का बोल्ट भी खोल दें, क्योंकि ये सारा जो है ना
ABS की सेंसर की वायरिंग भी है साथ साथ में, तो ये भी निकल जाएगी, तो कैलिपर आप तक हाथ में आ जाएगा। तो ये दो खोल ले, उसके बाद ये टेम। तो यहाँ खुल गया अपना फ्रंट कैलिपर, तो मैंने पूरा सेट ही खोल दिया साथ में, जितने ABS के सेंसर लगी हुई थी ना और बोल्ट वगैरह सब, ये सारे ही खोल दिया। तो आप यहाँ चेकआउट कर रहे हो भाई, इसका फ्रंट डिस्पैच जो है एकदम बस ख़त्म होने वाला ही है, बस पॉइंट पे है, ज़्यादा नहीं, 1500 किलोमीटर और चलती, तो मैं रिस्क नहीं लिया। तो मुझे जाना था राइड पे अभी 300 किलोमीटर की, तो दोनों ब्रेक पैड्स उड़ जाएंगे फ्रंट एंड रियर वाले, तो दिक्कत हो जाएगी रास्ते में, तो मैंने सोचा दोनों रिप्लेस कर लूँ। तो भाई यहाँ देखो लिखा हुआ एंडोरेंस E240B एंडोरेंस, भी यहाँ पे सेम लोगो बना हुआ है, तो मैं इसको खोल के दिखाऊंगा आपको। तो ब्रेक पैड्स ज़्यादा बचे नहीं है, और देखते यहाँ डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ब्रेक पैड को जो है इसका नीचे वाला लॉक है ना, ये देख लो नीचे लॉक है, ये पिन दिख रहा होगा आपको, ये पिन को डिसकनेक्ट करना है, ये लॉक खोलनी है, ये पिन को दबाने से, इसको लॉक खोल के पिन दबा के ये वाली जो पैड है ये आ जाएगी बाहर, तो उसको खोल लेते हैं। तो ये ओरिजिनल वाले पैड्स आ गए बाहर, आप देख सकते हो उसी कंडीशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ एंडोरेंस कंपनी, एंड ये देख लो, ये दूसरा ब्रेक पैड देख लो भाई, ये उड़ चुके हैं पूरे, एंड इसकी बैक सरफेस देख लो, एक ब्रेक पैड पूरी उड़ चुकी है, पूरी ख़त्म हो गई है, और एक थोड़ी सी बची हुई है, तो दोनों की हालत ख़त्म है। आप देख सकते हो उसका लोहा का पोजीशन जो नीचे रहता है ना, लेदर पूरा ख़त्म हो गया, तो ये हो गई ख़त्म। तो आपको ना अभी एक चीज़ चेक कराता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो लोगो एंडोरेंस का बना हुआ है, तो अब बजाज वाला जो है इससे अनरैप करते हैं एंड दिखाते हैं। तो ये देख लो, ये एक न्यू है और एक ओल्ड है, तो ये यामा वाला, ये बजाज वाला, तो आप देख सकते हो दोनों का लोगो सेम है यहाँ पे, एंड पैड भी सेम है, ये देखो पैड चेकआउट कर लो भाई, पैड भी सेम है, पैड में कोई अंतर नहीं है। तो आप सोच सकते हो यामा लगाते हैं, इसकी प्राइस 400 से 500 रुपये के आसपास, और ये 150 मिलती है बजाज में, है दोनों एक ही चीज़। लोगो भी सेम है, देखो यहाँ यहाँ का लोगो देखो और ये लोगो देखो, दोनों एंडोरेंस का है, दोनों सेम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो अब लगाना पड़ेगा ये बजाज वाला ही। तो भाई यामा के 500 के ब्रेक पैड मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सेम चीज़ बेच रहे हैं वो लोग इतनी महंगी, तो लगाना होगा बजाज का, या भी बजाज का यूज़ करें, पल्सर 220 180 किसी का भी ले आएँ, सेम ही है। तो अभी आप देख रहे हो कैलिपर की जो पिस्टन है ये पूरी बाहर आ चुकी है, तो ये पिस्टन को क्या है, इसको प्रेस कर करके अंदर तक पूरा सटाना होगा बॉडी को, अंदर बॉडी तक सटाने के बाद उसके बाद ही न्यू पैड्स लगेगी, उसके बाद ये अच्छा वर्क करेगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मारेंगे WD-40 स्प्रे, स्प्रे मारने से क्या होगा, जितनी डस्ट एंड रस्ट वगैरह फंसी होगी अंदर में वो सारा निकल जाएगा, एंड आराम से पिस्टन जो है अपने पोजीशन में वापस चल जाएगी। तो यहाँ पे मारते हैं स्प्रे WD-40 और पिस्टन को करते हैं अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, इसकी कैलिपर की जो पिस्टन है ना ये चल गई पूरी अंदर, दोनों को दबा दी अंदर और ये दोनों अपनी पोजीशन में चल गई है वापस, पूरी बॉडी में सट गई है, पूरा प्लेन हो गया सरफेस। एंड आपको चेक करना है इसका जो ये कैबिनेट है ना, ये वाली, ये मूवमेंट आपके फ्री होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये जो होल्डर है इसका, ये कैलिपर को जो होल्ड कर रही है, जिसमें बोल्ट टाइट होते हैं, ये आपको देखना है कि फ्री मूवमेंट कर रही है, ये फ्री मूवमेंट है तो फिर ठीक है, अगर फ्री मूवमेंट नहीं है तो फिर आपको इसमें कैलिपर ग्रीस होता है जो सिलिकॉन ग्रीस, वो लगाना होगा। तो ये तो मेरी फ्री है, तो उसे छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी लगाना है इसका न्यू पैड, तो न्यू पैड लगाते हैं। तो भाई चेकआउट कर लो, यहाँ लग गए अपने न्यू डिस्क पैड पल्सर वाले इसमें, और भाई ये होगी कैलिपर रेडी, पूरा साफ़ कर दे, क्लीन कर दे, WD-40 मार के पूरा पिस्टन बैठा दिया इसका, और यहाँ पल्सर वाली जो है डिस्क पैड फ्रंट वाली रेडी हो गई है, और ये रही पुरानी वाली, भाई देख लो पुरानी वाली चेकआउट करो कैसी है, और ये न्यू वाली देख लो। तो अब जैसे खोला था वापस ऐसी वैसी पोजिशन में लगा देना इसे, और फ्रंट वाली जो है वो हो जाएगी रेडी, वापस इंस्टॉल कर दिया। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया अभी कि पुराना डिस्क पैड जो लगा हुआ था ना भाई, वो देखो डिस्क काटना शुरू कर दिया था, ये देखो ब्लैक लाइन जो बन रही है ना, पुराना डिस्क पैड ये डिस्क को काटना, रोटर को काटना शुरू कर दिया था, ये पूरी लाइन बन गई है, ये देखो ब्लैक कलर की। तो अच्छा हुआ टाइम से पहले मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो पूरा डिस्क प्लेट ही खा जाती। तो ये सब बात छोड़ते हैं, आपको दिखाता है सेट से, ये देखो न्यू पैड लगी भाई, अच्छी लग रही है। तो ये देखो ये लगी न्यू पैड एंडोरेंस वाली, एंड ब्रेक भी जो है अपना परफेक्ट काम कर रहा है, ये देख लो ये भी होगी टाइट पूरी भाई, ये काम कर रहा है। तो ये फ्रंट हो गया, और अब आती है बारी रियर वाले की। तो रियर वाले की पैड भी ज़्यादा नहीं बची है, आप यहाँ चेकआउट कर लो,
ये साइड थोड़ा बचा हुआ, लेकिन इसकी बाद वाली उस साइड वाली पैड जो है वो पूरी ख़त्म हो गई, वो पूरी चपक गई है। तो भाई इसको खोलने के लिए तो पूरा चक्का खोलना पड़ता है, तो एक्सल खोलनी पड़ेगी यहाँ पे 19 नंबर के पाने से, बोल्ट ये नट खोलना होगा, एक्सल निकालनी पड़ेगी, चक्का निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो ये कैलिपर बाहर निकलती है। तो ये थोड़ा टफेस्ट काम है इसका करना का। तो खोलते हैं इसका एक्सल, निकालते हैं कैलिपर बाहर, फिर दिखाते हैं इसका डिस्पैड एंड न्यू वाली डिस्पैड को है जो मंगाई है मैंने फ्लिपकार्ट से। भाई इसको करते हैं अनरैप पहले, तो इसका पैड आपको दिखाते हैं। तो पहले ये पैड को अनरैप करते हैं एंड देखते हैं भाई अंदर कैसा मटेरियल है। भाई अच्छे पैकेट में ये, तो भाई न्यू डिस्पैड कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो एक मिनट आपको क्लियर दिखाते हैं। तो ये रहा पैड, तो क्वालिटी जो है पैड की अच्छी लग रही है एंड ब्रांडेड है ये, शायद मुकुंड कोई कंपनी, इंडियन कंपनी ये जो ब्रेक पैड्स बनाती है। तो भाई पैड की क्वालिटी देख लो, बहुत अच्छी लग रही है एंड बीच में कट्स मार्क भी है एयर पास के लिए कि ठंडी हो जाए। और पीछे यहाँ पे निसिन भी लिखा हुआ है, निसिन मत, अरे इन्होंने कॉपी बनाई हुई है, ओरिजिनल निसिन नहीं है ये कॉपी है, जस्ट ऐसे ही पंच किया हुआ है, निसिन लिखा हुआ है। तो भाई दोनों ब्रेक पैड चेक कर लो, एकदम न्यू, एकदम थिक है दोनों लेदर्स, दोनों के दोनों ज़बरदस्त लग रही है पैड्स। तो मेरे को होप है कि ये कम से कम 4000 किलोमीटर तो लास्ट करेगी, क्योंकि ओरिजिनल वाली 7000 करती है, तो ओरिजिनल वाले का दाम 1000 रुपये है, 980-970 के आसपास दाम है। तो हो सकता है कि ये लास्ट करेगी 4000 किलोमीटर तक जैसे मैं चलाता हूँ। तो खोलते हैं पीछे वाला व्हील, उसके बाद निकालते हैं पुराना पैड, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं न्यू वाली। तो पीछे वाली डिस्क खोलने के पहले एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, डिस्क पैड खोलने के लिए यहाँ पे एलन बोल्ट है, तो आप ये चेकआउट करो, ये एलन बोल्ट यहाँ दो है, ये एक और इधर। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये शायद 5 नंबर का एलन है, तो मैंने ये टूल किट से निकाला अपना, 5 mm का एलन है। तो इसको पहले ही लूज़ कर लें यहाँ पे, क्योंकि जब आप कैलिपर खोल लेंगे उसके बाद ये लूज़ नहीं होने वाली, बहुत टाइट रहती है, तो आपको ताकत नहीं मिलेगी खोलने की। तो उसके पहले आप ये एलन बोल्ट है इससे आप पहले लूज़ कर लें, तो इसको लगे लगे आप पहले भाई लूज़ कर लें तो बेटर रहेगा। तो ये हो गए लूज़ एक साइड के। लास्ट जा करके इसका पीछे का चक्का खोलना ही पड़ा मुझे, तो आप देख सकते हो टायर बाहर निकाल दिया मैंने एंड ये क्या रहा कैलिपर इसका। तो भाई पीछे की पैड भी जो ये हो गई पूरी ख़त्म, पूरी डेड है, अभी ब्रेक तो लगती नहीं थी पीछे की एंड बहुत मुश्किल से इसका कैलिपर जो है बाहर आया। तो अभी इसका दोनों ऊपर एलन वाले बोल्ट है ना, ये देख रहे हो ये एलन वाले बोल्ट, इसको निकाल करके दोनों पैड्स बाहर निकालते हैं, उसके बाद WD-40 से भाई इसे क्लीनिंग करते हैं। इसके पीछे पैड्स भी आ गए हैं बाहर, तो आप देख सकते हो ये हो गया कैलिपर को पूरी खोल दी मैंने एंड पिस्टन भी है अंदर ही है लमसम। तो इसके देखो पैड्स आ गए बाहर, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी के पैड्स, मैंने पहले भी देसी पैड्स ही डाला था, तो भाई ये ख़त्म है पूरे, ये देख लो ये टूट के निकल रहे हैं, देखो इसके लेदर जो है ना टूट रहे निकल रहे हैं, बस ये डेड पोजिशन में ब्रेक तो लगती नहीं थी, थोड़े से पैड्स बचे हुए हैं मेरे हिसाब से, पर मैं रिस्क नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे जाना था राइड पे, तो बीच में अगर पैड्स उड़ जाते तो भाई मैं कहीं का रहता नहीं, ना वापस आ सकता था ना कहीं बाइक छोड़ सकता था, और रास्ते में कहीं पैड्स इसके मिलते भी नहीं क्योंकि इसके बहुत डिफरेंट पैड है पीछे वाले। तो रिस्क ना लेते हुए पैड्स चेंज ही कर रहा हूँ, वैसे इसकी ब्रेक लगती नहीं थी, आप देख सकते हो पूरा रस्ट लगा हुआ है इस पर एंड ब्रेक पीछे की एकदम पकड़ती नहीं थी एंड इससे कुछ पीछे के पत्ती हैं, स्पेसर्स है ये। तो अभी क्लीन करते हैं इसका कैलिपर, पिस्टन में मारते हैं WD-40 स्प्रे एंड ये एरिया को पूरा क्लीन करते हैं, उसके बाद लगाते हैं न्यू पैड्स। अभी इसका खोल लिया कैलिपर होल्डर, तो ये आप देख सकते हो ये ब्रैकेट ये कैलिपर होल्ड करता है, तो भाई यहाँ पे मुझे लग रही है कि
यहाँ पे सिलिकन ग्रीसिंग थोड़ी करनी पड़ी होगी, ये थोड़ी जाम हो रही थी तो कभी आज तक ग्रीसिंग नहीं हुई है, तो भाई यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा ग्रीस और इसको करना पड़ेगा थोड़ा फ्री, ये थोड़ा जाम चल रही है। यहाँ अपनी क्लीन हो गई है कैलिपर, आप देख सकते हो उसके पिस्टन चल गया अंदर, तो WD-40 मार के पूरा क्लीन कर दिया, इसका रस्ट हर्ष हटा दिया, मिट्टी हटा दी और ग्रीसिंग भी हो गई है। कैलिपर ग्रीसिंग मतलब इसके जो शाफ्ट होता है ना, इसमें लगाते हैं सिलिकन ग्रीस, तो वो आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में कि कैसे ग्रीसिंग करते हैं। तो अब लगाने हैं इसके न्यू वाले पैड्स, तो इसके ये रहे न्यू वाले पैड्स, तो इसके पीछे इसके स्पेसर लगा दिए, और ये रहा इसका दोनों बोल्ट, तो ये दोनों बोल्ट को साफ़ कर लिया अच्छा से एंड पैड को घुसा करके कैलिपर में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे लग गए हैं दोनों पैड्स एंड इसके जो बोल्ट्स हैं ये लग गए हैं, ये हो गए टाइट एंड भाई अंदर देखो न्यू पैड्स लग गए हैं। तो ये भाई पीछे वाले पैड्स जो हो गए वो न्यू लग गए, ये हो गया पीछे का पैडिंग कंप्लीट। अब चढ़ाना है इसका चक्का भाई, जो सबसे टफेस्ट काम है, ये लग गया न्यू पैड। सो फाइनली लग गया है इसका रियर का डिस्क पैड, आप देख सकते हो ये देखो भाई इसका लग गया है डिस्क पैड कंप्लीट। व्हील भी लगा दिया, तो व्हील लगाते हुए रिकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ रीज़न थी, बैटरी डाउन हो गई थी कैमरा की, तो इस रीज़न से नहीं कर सका। तो भाई यहाँ लग गया है एंड आप देख सकते हो मेरा ग्रीसिंग वगैरह भी कर दिया पूरी अच्छे से, यहाँ पे आप शाफ्ट देख रहे हो ना, ये ग्रीसिंग वगैरह हो गई है और चेन भी टाइट कर दिया, पूरी अलाइनमेंट हो गई है। तो यहाँ पे अपना ब्रेक भी काम कर रहा है भाई, आपको दिखा दूँगा, देखो ब्रेक अपना पूरा काम कर रहा है, फ्रंट वाला भी। भाई यहाँ पड़ी पुरानी वाली ब्रेक पैड्स, ये होगी रियर की पूरी ख़त्म है और ये होगी फ्रंट की पूरी ख़त्म है भाई। तो सारा प्रोसेस हो गया कम्प्लीट, आपने देख लिया वीडियो में कैसे चेंज किया अपने घर पर, तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी और वीडियो को शेयर करें, सबको दिखाएं कि इस तरह से ब्रेक पैड चेंज हो जाती है घर पे। और मैंने ब्रेक पैड सस्ता लगाया बजाज का जो कि सेम है, तो यामा का यूज़ नहीं किया मैंने। तो इसके बाद जब मैं ओरिजिनल जेन्युइन ब्रेक पैड चेंज करूँगा पीछे वाले, तो उसकी वीडियो बनाकर सेपरेट दिखाऊंगा आपको। तो बंद करते हैं वीडियो यहाँ पे, टिल नाउ साइनिंग ऑफ, राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।